यम यम यम, मधुमेहियों के सामने मैंगो आते ही विकेट गुल खाने की इच्छा होती है, और लीची भी कैसे रेजिस्ट करे। मैंगो खाएं क्या लीची खाएं क्या दोनों खाएं, सेफ कौन सा है? जानने के लिए समझ ले, मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50 55 के बीच में, इट्स मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और लीची का है 60। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कितने जल्दी खाने के बाद शुगर खून में शूट करेगी, ये इसमें ज्यादा है। लेकिन क्वांटिटी का भी बड़ा खेल रहता है राजा रानी, क्योंकि मैंगो जब आप खाओगे पूरा का पूरा तो हो जाएगा 100 ग्राम का कम से कम, और लीची जब एक खाओगे तो हार्डली होगा वो 10 ग्राम के आसपास, ठीक है ना? तो अगर आपने 7-8 लीची खा ली है तो 7-8 लीची एक मैंगो के बराबर है, और दोनों अगर इक्वल क्वांटिटी खाएंगे तो लीची आपकी शुगर ज्यादा शूट करने वाली है। तो मैंगो खाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन लीची भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंगो के अंदर है केक, विटामिन सी, ए, के और ई, और लीची के अंदर है 4 जबरदस्त मिनरल्स, वो है कॉपर, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। खाना दोनों चाहिए, एक साथ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। शुगर अगर आपकी फास्टिंग 140 के नीचे है तो बिल्कुल बेधड़क सुबह उठने के बाद पहले ही आप आधा एक मैंगो खा लें या 7-8 लीची खा के देखें, आपको बहुत सारे इन दोनों में से एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, सब कुछ सुधारने के लिए बढ़िया विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, और सीजनल फ्रूट्स सारे मधुमेहियों ने खाने ही चाहिए।